Congratulations to Admiral Husseini and Madam Lubna Khalid and everybody who has organized this event. So thank you very much for inviting me and providing me an opportunity to share my views with your people. ये टाइम बड़ा सही नहीं होता 3:30 या 3 बजे 3 o'clock पे 3 o'clock पे किसी को स्पीच देना बिकॉज मुझे नहीं पता कितने लोग मुझे सुन रहे हैं कि आपके अप्लॉज बताएंगे कि आप लोग सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हो डियर मॉडरेटर ने कहा कि मेरा 30 साल का नहीं मेरा 36 ईयर्स का स्पीच है तो प्लीज़ आप जरा थोड़ा सा करेक्ट कर लें उसको मेरी एज 62 ईयर्स की है तो यू कैन अंडरस्टैंड के और मेरा सारा जो एजुकेशन का एक्सपीरियंस है मैं उसका बिल्कुल एक लुपे लुबाव निचोड़ आपको बताऊंगा आई विल नॉट टेक मोर देन 6 मिनट एंड 30 सेकेंड्स आई हैव प्रैक्टिस अलॉट ओके नाउ हुसैनी साहब एज यू हैव रिक्वेस्टेड अवर कॉन्फ्रेंस एक्चुअली आई कॉल इट सिंपोजियम बिकॉज एट द एंड ऑफ अ डे यू हैव टू मेक अ प्रपोजल रिलेटेड टू आई टी पॉलिसी एंड देन यू हैव टू सेंड इट टू द हायर फोरम तो आपका जो फोकस है तो मैं थोड़े सा अपना पॉइंट्स बता के उसके बाद मैं एक रिकमेंडेशन भी दूंगा विच आई होप यू विल इंक्लूड दिस इन द रिकमेंडेशन एंड अंडर द आईटी पॉलिसी अभी आपने शुरू किया हमारे डियर मॉडरेटर ने कि यहाँ HEC का जो रोल है या NCEC का रोल है वो क्या है मैं कम से कम इन लोगों की कोई 50-60 विजिट्स करा चुका हूँ ZEBIST में बींग ए वाइस प्रेजिडेंट आई हैव टू प्रेजेंट इन ऑल रेगुलेटरी बॉडी मीटिंग्स पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल NCEAC NBESE NECTE CIEC इन सिंध तो मैं सिर्फ एक जुमला कहूँगा और आई डोंट नो वो आपको कितना अपील करता है कि ये तमाम रेगुलेटरी बॉडीज अनफॉर्चुनेटली थानेदार का काम करती हैं इतना आपको टाइट रखती है नॉट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी बट सर्टेनली उन्होंने कुछ राइटअप लिखे हुए हैं कुछ स्टैंडर्ड सेट किए हैं वो स्टैंडर्ड हर चीज़ वो जो है ना वो अपने बनाए हुए नहीं है वो भी कहीं से इम्पोर्टेंट है मैं जब इन लोगों से डील करता हूँ या तकरीबन हर रोज़ाना मेरे पास HEC का कोई ना कोई लेटर आ रहा होता है तो उसमें एक तरह से मुझे थानेदारी ही रिफ्लेक्ट हो रही होती है एजुकेशन दुनिया भर में डाइवर्स हो रही है मल्टी डिसिप्लिन आ रहे हैं क्रॉस डिसिप्लिन आ रहे हैं अनफॉर्चुनेटली हमें ये कहा जाता है कि आप कन्वर्स करें इसको टाइट करके अपने डिसिप्लिन के अलावा बाहर ना निकलें सो बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं बहुत सारे कोर्सेज मैंने टाइम टू टाइम उनको बताया कि जी ये कंप्यूटर साइंस भी ज़रूरी है इंसिडेंटली आई एम ऑल्सो डीन ऑफ कंप्यूटर साइंस एज वेल सो दैट्स वाई आई एम शेयरिंग यू कि वट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आई हैव ऑलरेडी फेस एंड आई एम फेसिंग बट वी होप इंशाल्लाह विद योर कोऑपरेशन द थिंग्स विल बी ओके इन फ्यूचर हमारे सिस्टम के एजुकेशन के सिस्टम में जो प्रॉब्लम्स हैं वो स्टार्ट होते हैं टर्शियरी एजुकेशन से अभी हमारे दोस्त ने बताया कंप्यूटर साइंस का या IT का और पहले ही बता दूं कि IT सिर्फ कंप्यूटर साइंस या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का नाम नहीं है IT का बहुत बड़ा होराइजन है IT का बहुत बड़ा डोमेन है ठीक है ना सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नहीं है मगर जब हम कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं आप बताएं कंप्यूटर साइंस में अगर किसी की मैथमेटिक्स अच्छी ना हो तो क्या वो अच्छा कंप्यूटर साइंटिस्ट बन सकता है नहीं बन सकता हमारे यहाँ ये हालत ये है स्पेशली इन कराची बेसिकली मैं कराची इतनी सारी जिंदगी 62 ईयर ही गुजारे 2-3 साल में अमेरिका गया था पढ़ाई के लिए तो प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो हमारे ज़माने में जब हम 70s में कॉलेज जाते थे DJ साइंस कॉलेज या आदमी साइंस कॉलेज वो एक सिंबल होते थे आज वो कॉलेजेस कहाँ हैं वी जस्ट रिलाई अपॉन द कोचिंग सेंटर्स और कोचिंग सेंटर सिर्फ आपको सिलेक्टेड स्टडीज कराते हैं कि आपको हाउ टू पास द एग्जाम्स और उसके बाद आपको पता है बोर्ड की हालत होती है तो जो आपके पास कोर स्किल्स हैं मैथमेटिक्स आपके पास भी के जिन नेशंस ने मैथमेटिक्स में तरक्की की है उन्होंने दुनिया को लीड किया है हमारे यहाँ मैथमेटिक्स सिर्फ एज ए सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाता है सिर्फ एग्ज़ाम पास करने के लिए और कोचिंग सेंटर में जाएँ तो जो लास्ट 2 चैप्टर्स होते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस के वो सारे निकाल दिए जाते हैं तो ये सिलेक्टेड स्टडी आप करेंगे तो आप कैसे उम्मीद रखते हैं कि हम अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलपर पैदा करेंगे बिकॉज कंप्यूटर साइंस करीब हो सकता है जिसकी मैथमेटिक्स अच्छी हो सो दिस इज अनफॉर्चुनेट एंड वी हैव टू एड्रेस फ्रॉम द वेरी बिगनिंग पार्ट ऑफ द एजुकेशन जो 3-4 कोर्सेज मैं बताता रहा हूँ
चार कोर्सेज की ज़रूरत है इनफैक्ट हमारे सिलेबाई में आने के लिए, और उसके लिए हमें पूरा करिकुलम जो है ना रिवाइज करना पड़ेगा। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो कोर्स है वो है एंटरप्रेन्योरशिप। कंप्यूटर साइंस के अंदर जब तक एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स नहीं होगा बच्चे को, स्टूडेंट को आइडिया नहीं होता कि ग्रेजुएशन के बाद उसके पास कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वो सिर्फ सर्विस फोकस होता है कि कहीं जॉब मिलेगी किसी सॉफ्टवेयर हाउस में, ऐसा नहीं है, बल्कि उसको पता होना चाहिए कि वो अपना भी सॉफ्टवेयर हाउस खोल सकता है। बट सर्टेनली प्रॉब्लम्स हैं, जैसे पहले वाले सेशन में लोगों ने बताया कि कंट्री लेवल पर क्या प्रॉब्लम्स हैं। इंटरप्रेन्योरशिप की जितनी हम सपोर्ट करेंगे उतनी हमारी जो है ना सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ग्रोम करेंगे, दिस इज़ फॉर श्योर। सो एक तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि BS कंप्यूटर साइंस में इंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स होना चाहिए। सेकेंड थिंग विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और मेरा ख्याल है समीर रोड भाई को याद होगा, जब हम होमदर्न यूनिवर्सिटी में सर से साथ रहे थे, हमने कोर्स इंट्रोड्यूस किया था IT एंड सोसाइटी। अब उसको आप IT एथिस का नाम दे दें, कुछ भी दे दें, वो कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि IT के सारे 100% बेनिफिट्स नहीं है, उसके कुछ नुकसान भी हैं, वो भी हमें जहन में रखने चाहिए। हम एक ड्राइंग रूम में फैमिली के 6 लोग बैठे होते हैं, सब अपने अपने मोबाइल पर लगे हुए होते हैं, तो फिजिकली वी आर सिटिंग टुगेदर बट मेंटली वी आर समवेयर एल्स। तो ये सारे एथिकल इशूज़ हैं जो IT की वजह से इमर्ज हो रहे हैं, तो उनको भी एड्रेस करना ज़रूरी है ताकि बच्चों की जो है ना वो प्रॉपर ट्रेनिंग हो सके। सिर्फ सारे हर चीज़ IT में पॉजिटिव नहीं है, कुछ नेगेटिव भी है। तो कोर्स ने जो है, कोई भी कोर्स हो, IT इन सोसाइटी हो या IT इन एथिक्स हो, वट एवर, ये कोर्स भी ज़रूरी है कंप्यूटर साइंस वालों के लिए। थर्ड कोर्स जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि वो इंग्लिश का जो स्टैंडर्ड है वो बड़ा अनफॉर्चुनेटली वेरी पुअर है, और जो स्टूडेंट्स हमारे पास, मैं ZS में हूँ फॉर द लास्ट 6 ईयर्स, जो स्टूडेंट्स ए लेवल से आते हैं उनकी इंग्लिश तो बहुत अच्छी होती है, बट दो स्टूडेंट्स आर कमिंग फ्रॉम इंटरमीडिएट ट्रैक देर उनकी इंग्लिश बहुत पुअर होती है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपर या सॉफ्टवेयर हाउस की एक बड़ी रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन भी अच्छी होनी चाहिए, वो पार्ट मिसिंग है। हमें इंग्लिश में अगर 3 कोर्स होते तो हमें 4 कोर्स देने की ज़रूरत है, या कोई सेपरेट स्किल इंग्लिश की स्किल डेवलप करने की ज़रूरत है ताकि कम से कम वो अपनी रिपोर्ट लिख सकें। उसके बाद जो चौथा बड़ा कोर्स है उसके लिए मुझे थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताना ज़रूरी होगा, बिकॉज दैट इज़ कम्प्लीटली अ नेग्लेक्टेड फील्ड। एंड वेन एवर यू टॉक अबाउट इन IT कॉन्फ्रेंस और IT सेमिनार, आई थिंक आई हैव नेवर हर्ड ऑन दिस टॉपिक सो फार, एंड आई ऑल्सो वॉज इग्नोरेंट, बट रिसेंटली आई विजिटेड इन वन कॉन्फ्रेंस इन डेनमार्क एंड वेयर आई गॉट टू नो के हाउ मच दिस टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट। सो आई वुड लाइक टू थ्रो सम बेसिक आइडिया एंड देन आई विल लीव दिस पोडियम। वो है ई गार्बेज, विच इज़ रिलेटेड टू ग्रीन टेक्नोलॉजी, और ये इसकी इतनी बड़ी अहमियत है कि आज नहीं तो कम से कम नेक्स्ट 3-5 ईयर्स में आप देखेंगे कि जिस तरह हम डैम बनाने के लिए पानी के क्राइसिस से गुजरे हैं। Mr. Amar Jaffe.